हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ द बेबी इन येलो। लेबोरेटरी में तो वैसे आ चुका हूँ और ये लिफ्ट के थ्रू मैं ऊपर आ चुका हूँ और अभी मेरे को ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और ये भाई तू न्यू, तू इधर भी आ रखा है, चलो इधर बैठ। अच्छा इसे इधर के बैठाना है, इसे उधर पर बैठाता हूँ। अच्छा इसने मेरे को रास्ता भी दिखा दिया, इसके अंदर जाना है ना, चल इधर पर लग जा तू। चलो ये चीज़ यहाँ पर खुल जाएगी, लेकिन तब तक मैं और चीज़ें एक्सप्लोर करके देखता हूँ। भाई ये चीज़ें भी नहीं खोल सकते हैं क्या? पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, लेकिन कुछ तो नहीं दिख रहा है, बस एक कमरा दिख रहा है उसके अंदर। हर हॉरर गेम की स्टार्टिंग हमेशा ऐसी होती है। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे खोल दिया और ये आ गई है लेबोरेटरी भाई साहब। और ये दो दरवाजे यहाँ पे लॉक हो रखे हैं। ये जो है पुराना वाला कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें ये चांद बन रखा है और ये फूल बन रखा है। इनकी चाबी मेरे को ढूंढनी पड़ेगी और इसकी चाबी, अभी एक चाबी मिल गई मेरे को लग ही रहा था यहीं कहीं तो होगी, क्योंकि इस गेम में जो है आसानी से चाबी मिल जाती है। और ये क्या है वैसे? अबे ये मैंने एक चीज़ डाल दी इसमें। अच्छा ये कोई, मेरे को यहाँ पे केमिकल मिलाने पड़ेंगे। तो चलो दूसरा केमिकल पता नहीं मेरे को कहाँ से मिलेगा, लेकिन ये क्या है? ये एक फ्लावर है। अच्छा इसको मेरे को छूना है ना। और अब जो है वो न्यू आ जाएगा। न्यू कहाँ से आ रहा है? और अब ये क्या, इसमें स्प्रे डाल रहा है। चलो स्प्रे इसने डाल दिया और इससे मेरे को एक फ्रूट मिल गया। अबे फ्लावर से फ्रूट मिल गया। और ये क्या है, पौधा डेड हो गया। चलो बढ़िया है, तो डेड हो गया तो डेड ही ठीक है। इसे डाल देते हैं वैसे इधर ही, इधर मैंने डाल दिया। और अभी इसका भी एक और मेरे को इंग्रेडिएंट बनाना पड़ेगा भाई। बढ़िया, अब ये दो बनने के बाद जो है मेरे को ये दबाना है और अब वो सारी चीज़ जो है इधर पर आ जाएगी। हाँ देखो, अब जो है यहाँ पर एक लिक्विड बन गया और ये रही बॉटल। और ये पिलानी है मेरे को उस बच्चे को। और ये बॉटल फूट गई और आ गया वो बच्चा। मेरे को लग ही रहा था वो बच्चा आ गया होगा, ईवल बेबी। ओ देखो आ गया। अब इस साले, इसे तो इतना मारने का मन करता ना, लेकिन नहीं मार सकते हम इसे। और ये बच्चा हंसने लग गया। अबे अभी पिलाता हूँ भयंकर तेरे को, ये तब से बहुत बन रहा है ना, ये फीड कर रहा है ना इसे। चलो ये सब करने के बाद इसमें कोई एनर्जी आ गई और सब चीज़ें इसे चिपकने लग गई। चलो ये भी ठीक है, चलो इधर पर निकल, तेरे को मैं पकड़ूंगा क्या? चुपचाप से मेरी की दे। और की जो है मेरे को यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे लगाने के बाद जो है मेरे को एक किचन हमें आ जाना है। और किचन में ये क्या है, ओवन है ना, ओवन के अंदर डालता हूँ इसे। रुक तू, अभी बताता हूँ तेरे को। हाँ इधर इसको डालता हूँ मैं अब ओवन के अंदर। अभी इसे बनाता हूँ मैं अच्छे से पिज़्ज़ा। चलो डाल दिया और वो ऑन भी हो रखा है, पूरा गर्म हो रहा होगा वो और फूट गया। अब आई ना मज़ा। वैसे ही गुस्सा क्यों नहीं हो रहा, पहले तो ये गुस्सा हो जाता था। और व्हील हैंडल मेरे को कहाँ पे लगाना है? और ये रहा, ये लगाने के बाद इसको ऑन करना है। और इसके अंदर क्या चलने लग जाएगा? और इसके अंदर बच्चे को भी आता हूँ ना, क्योंकि बच्चे पे जरा मैग्नेटिक पावर भी आ जाएगी। सबसे पहले ये घुमाना है और फिर इस बच्चे को भेज देना है उधर पे, क्योंकि अब जो है इसके पास पावर आ चुकी होगी। और वो कैट, कैट भी उधर पे ही है और ये की भी आ गई। चलो बढ़िया, अब उस कैट को मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे को तो ये लग रहा है, देखा, फॉलो द कैट। मेरे को ऊपर कैसे जाना है फिर? ये रही सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ से ऊपर चढ़ लेता हूँ। अबे अब आगे क्यों नहीं चढ़ पा रहा मैं? और अब तो मैं हिल डुल भी नहीं पा रहा हूँ, तो अब नीचे उतर जाते हैं। मेरे को उस चेयर के साथ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन इधर पे सॉकेट है, सॉकेट को वैसे पावर देनी है। चलो यहाँ पे पावर्ड हो गया ये पूरा। और अब लेके आना है मेरे को उस रोबोट को। रोबोट कहाँ है वैसे? वो आ गया ना ये रोबोट। चलो इधर अब हैंकर सबसे बहुत बने जा रहे हैं। और अब देखो वो जो है उधर पे चलने लग जाएगी। और अब मेरे को एक जगह पे इसको रोकना है। चलो मैंने रोक दिया और अब उस कैट को जाके मेरे को फॉलो करना है। जैसे चली गई और नीचे वाला लॉक है और इसके लिए चाहिए मेरे को एक कोड। कोड वैसे ही कौन कौन से हैं, कोड वैसे मेरे को याद नहीं रहते। अबे एक कोड मेरे को मिल गया वैसे। अच्छा ऐसी स्लाइड में मेरे को सर्च करना पड़ेगा। हाँ ये देखो, अब मैंने इस बुक को भी हटा दिया और एक और कोड जनरेट हो गया। एक दो, दो कर दिया है, दो और करने हैं मेरे को। ये देखो ये जो है मेरे को एक और कोड मिल चुका है, लेकिन इस कोड को मैं पकड़ूँ कैसे? तो ये देखो, ये जो है मेरे को चौथा कोड भी मिल चुका है। तो हम ये जो है मेरे को एक सही पैटर्न में डालने पड़ेंगे।
तो चलो अब मैं जो है सही पैटर्न में डालने की ट्राई करता हूँ। ओ भाई खोल दिया मैंने जैसे तैसे करके। भाई साहब क्या तुक्का लगाया मैंने इसमें। चलो ये खोलने के बाद क्या करना है, ढूंढना है क्या उस बिल्ली को? लेकिन यहाँ पे मास्क किस चीज़ के रखे हुए हैं, उठा नहीं सकते क्या मैं इन्हें? चलो वैसे नहीं उठा सकता, और ये कैट का इधर पे खाना है। भाई साहब ये वाला चैप्टर जो है एकदम खतरनाक होने वाला है। आ गया वो बच्चा, लग ही रहा था मेरे को। भाई ये बच्चा बहुत आरामी है चाहे कुछ भी बोलूँ। और इधर पे मेरे को इसकी फ़ोटो लेनी है क्या? अच्छा इसको ओपन करना है ना पहले, और अब लेनी है मेरे को इसकी फ़ोटो। ले फोटो तो ले ली मैंने, और अब कैसे, अब क्या करूँ? अच्छा नो फ्रेम है, अच्छा इसकी फ्रेम नहीं है ना, तो यहाँ ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे पक्का मेरे को कुछ ना कुछ चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे फोटो प्रोजेक्टाइल है, और ये क्या है ये? अच्छा ये तो रहा कैमरा वाला फ्रेम ना, ये मेरे को यहाँ पे डालना है। ये डालने के बाद अब लेनी है मेरे को इसकी फ़ोटो। अच्छा ये फ़ोटो लेने के बाद अब ये जो है मेरे को इधर नीचे डेवलपर में डालना है। ये डेवलप में डाल देनी है ये फ्रेम, और अब फ्रेम आने के बाद ये फ्रेम आ चुकी है, और ये खोल देता है। और अब क्या करना है मेरे को गाइस? अब जो है मेरे को इसमें समझ में आ चुका है भाई ये कैसे हो गई डेवलप फिन, तो इसको इसके अंदर डालना है। अब डालना है वैसे इसको, भाई मैं तभी सोचूं ये धुल क्यों नहीं रही है तब से। और ये जो है मेरे को डेवलप फ्रॉम मिल चुकी है, और इसको उसके अंदर डालना है। और वे डालने के बाद जो है बाहर वाली चीज़ें इधर पे चेंज हो जाएंगी। भाई साहब ये क्या हीट होने लग गई, ये देखो ये जो है यहाँ पे चेंज हो चुकी है, बढ़िया। और मेरे को जो है एक और इधर पे चीज़ लेनी है, इसकी भी फ़ोटो खींचनी है। इसके बाद जो है एक और चीज़ इधर पे हो जाएगी, ये करने के बाद क्या हो जाएगा? अच्छा लिफ्ट आ गई क्या? इसको कैसे रिस्टोर करूँ मैं? अच्छा इसको भी रिस्टोर करना है ना डेड से, तो रुको अभी करता हूँ। इसको भी ऐसे ही करता हूँ मैं, ये जो है इधर पे हो गया। और इसके लिए मेरे को जो है न्यू को बुलाना पड़ेगा। आ जाओ इधर आ जा, इसे कर भाई। चलो इधर से जो है मेरे को एक और एंटीडोट मिल जाएगा। मेरे को जो है ऐसे शायद 4 इकट्ठे करने हैं। चलो इसको हार्वेस्ट कर देते हैं, और इसको डालना है मेरे को उधर पे वेंट में। भाई इसको तो एक नंबर का चूहा बना दिया, क्योंकि सारी चीज़ें जो है हमेशा चूहे पे टेस्ट होती हैं। चलो ये आ गया, और अब जो है इससे ये हैवी हो जाएगा। अच्छा ये हैवी हो जाएगा ना, ये मेरे को पता है। ये हैवी होने के बाद उधर पे रखना है मेरे को, लेकिन अगर मैं तब तक रखूँगा तब तक तो ये मर जाएगा। लेकिन इधर से फेंक के देखते हैं एक बार। अबे भाई घर कैसा होने लग गया इधर पे। चलो ये इसके अंदर, और चलो ये उसके अंदर चला गया। और भाई साहब मेरा तुक्का देख रहे हो, मेरे को लग ही रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो है हैवी चीज़ कुछ ना कुछ रखनी पड़ती है। और इधर मैं कहीं बाहर पे आ चुका हूँ। भाई ये सीन कितना बढ़िया लग रहा है। और इधर पे ये क्या हो रहा है भाई, चंद्र ग्रहण हो रहा है क्या? पता नहीं क्या हो रहा होगा। और इधर पे मेरे को एक और फूल मिल चुका है। चलो भाई नियो को इधर पे कॉल कर देते हैं। अब इसके किसने मार दिया? अच्छा इसने मार दिया, तू साले बच्चे। और अब ये उसको मारने जा रहा है। स्टॉप द बेबी, भाई इसको कैसे रोकूंगा फिर मैं, इसको मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा फिर तो। जाओ ये चल इधर से निकल जा। और ये कर दिया मैंने इधर पे ऑन। चलो इधर से निकल, भाग इधर से पहन कर, कुछ काम धंधा तो है नहीं इस पे बस। और अब जो है मेरे को उस फूल को हार्वेस्ट करना पड़ेगा। देखा मेरे को लग ही रहा था ये बच्चा आ ही जाएगा। और भाई ये हो गया गुस्सा, और आप लोगों ने देख लिया होगा भाई ये बच्चे का ईवल रूप कैसे अंदर से बाहर आते जा रहे हैं। तो चलो आज की वीडियो करते हैं पे एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।